हेलो स्टूडेंट, सभी को एक बार गुड इवनिंग। आज का हम लाइव क्लास में सेफ्टी प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से बिलोंग करते होंगे, तो आज इस लाइव क्लास से इसका एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपका जो सेफ्टी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी डाउट होगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। तब तक के लिए अपना नाम और जिस ITI से बिलोंग करते हैं उस ITI का नाम और अपना सेशन ट्रेड के साथ लाइव चैट में मेंशन करें, ताकि मैं समझ सकूं कि किस किस ITI और कौन कौन ट्रेड से लोग जुड़े हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कर लीजिए, देख लेते हैं कौन कौन से लोग जुड़े हैं इस लाइव सेशन में। फिर हम अति महत्वपूर्ण इससे जो रिलेटेड MCQ हैं सेफ्टी प्रैक्टिस से उसको सॉल्व कराऊंगा। तो सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं सारे कमेंट को देखता हूं और आपको राइट ऑप्शन भी जो समझ में आएगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको रिप्लाई भी करते चलूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस लाइव क्लास में जुड़ना चाह रहे थे वो जुड़ गए हैं और कुछ लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो को उनके ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो सेशन को शुरू किया जाए, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम सेफ्टी प्रैक्टिस से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सिलसिला को शुरू करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व कराते चलूँगा। तो सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को शुरू किया जाए। चलिए, तो ठीक है, सेशन को अब शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो निमि से लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ट्रेड के लिए या जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का ही वन लिए है। आप चाहे तो किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी ट्रेड में पढ़ने होते हैं, तो आपको परेशान बेवजह का नहीं होना है। तो आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सिलसिला को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीका से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको एक स्क्रीन पर चिन्ह दिखाई दे रहा होगा और इसका क्या नाम है आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन के बारे में कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर कुछ लोगों का राइट ऑप्शन आ रहा है, ये जो सुरक्षा चिन्ह का नाम है ये इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आता है, यानी कि हमें सूचना देता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन साइन का जो चिन्ह होती है वर्गाकार या आयताकार होती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, आकृति इसका आयताकार होगी या वर्गाकार होगी। तो इस चिन्ह के बारे में पहले आप समझ जाइएगा कि यह जो चिन्ह है वो इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आएगी। इसका रंग की बात करें तो हरे पृष्ठभूमि पर, यानी कि हरा कलर का इसका बैकग्राउंड होगा और सफ़ेद रंग के इसके चिन्ह होंगे, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है सूचना देना, इन्फॉर्मेशन का मतलब ही होता है सूचना देना, ठीक है। और इसके उदाहरण के अंतर्गत आगे अस्पताल है, स्कूल है, आगे पेट्रोल टंकी है, इस तरह के सूचनाएं दी जाती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी जो ऑप्शन है आप थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपका समझा देता हूँ। वार्निंग सिंबल जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है, बाकी मैंडेटोरी और प्रोहिबिशन जो होते हैं वो गोलाकार में होते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनमें फॉर्मेशन साइन का सिंबल कुछ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से इसे देख करके समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर रहा कुछ इन्फॉर्मेशन साइन का सिंबल, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्न में से भौतिक हानि क्या है, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन जो दिया गया है उस ऑप्शन में से भौतिक हानि के अंतर्गत कौन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा, वाइब्रेशन, यानी कि जो कंपन होती है फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ हम चूज करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर सही कर पा रहे हैं, बहुत लोग का गलत ऑप्शन आ रहा है, और इससे संबंधित हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं इसके अंतर्गत और कौन कौन से ऑप्शन हैं। आप इस ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा, भौतिक हानि के अंतर्गत नॉइज, कंपन, वाइब्रेशन, रेडिएशन, इस तरह से हैं सारे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अब कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छी तरीका से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है अग्नि का शमन क्या है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अग्निशामक या अग्निशमन क्या होता है ये आपको बताना है। ये इसके आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है सभी लोग अच्छी तरीका से ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, अग्निशमन क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। चलिए सभी क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीका से आप सभी को समझाते चलूँगा, और जो लोग बाद में जुड़े हैं ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार। इसी तरह सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं टॉपिक वाइज इसे सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। अग्निशमन जो होती है वो अग्नि के ईंधन तत्व को अलग करती है। तो करेक्ट आंसर तीसरा का बी के साथ चूज करेंगे। जो लोग बी ऑप्शन को चूज किए हैं उनका सभी लोग का राइट ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का आग लगती है वहाँ 3 कारक मौजूद होते हैं। पहला जो होती है कारक वो हीट होती है, हीट होगी तभी वहाँ पर आग उत्पन्न होगा। दूसरा में होती है फ्यूल, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, फ्यूल, ठीक है। और तीसरा जो होती है कारक वो वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, तो O2 भी ध्यान में रखिएगा। ये 3 कारक में से जब किसी एक को हम अलग करते हैं तो वहाँ पर आग बुझ जाती है, ठीक है। तो सभी लोग बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, और तीसरा का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए, ठीक है हम लोग। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अग्निशामक यंत्र होती है उसका हम उपयोग करने का जो क्रम होता है वो कैसे करते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को चूज करके कमेंट कीजिए। चलिए तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ जा रहा है, ठीक है। किसी भी अग्निशामक यंत्र का हम जब उपयोग करते हैं तो सर्वप्रथम उसको खींचते हैं, उसके बाद निशान लगाते हैं, और निशान लगाने के बाद उसको दबाते हैं, और फिर चारों ओर घुमा करके आग पर उसको बुझाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए के साथ चला जाएगा। जो लोग ए ऑप्शन को चूज किए हैं उनका सभी लोग का राइट ऑप्शन है, बाकी जो चूज किए हैं उनका सभी लोग का गलत है। तो कोई बात नहीं, सभी लोग मेहनत कीजिए और अच्छी तरीका से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरीका से यहाँ पर देख लीजिए। कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है कि अग्निशामक यंत्र का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं। मैं सभी क्वेश्चन का इमेज
के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरीका से बता रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, कोई डाउट नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चौथा का राइट ऑप्शन ए के साथ हम चूज किए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है या होता है। आपको उस प्लास का नाम बताना है, प्लायर का नाम बताना है जिसका हम उपयोग तार के हुक तथा लूप बनाने के लिए करते हैं। तो तीन ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर। उसके बाद एक और नीचे ऑप्शन में है, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आप सभी लोग सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को कमेंट कीजिए। तो फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिए, देख लेते हैं सभी का। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर 5वां का राइट ऑप्शन जो है वो राउंड नोज प्लायर के साथ चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है 5वां का हम सी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। राउंड नोज प्लायर जो होती है तार के हुक तथा लूप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इससे संबंधित हम आपको स्क्रीन पर इसका इमेज दिखा रहे हैं। राउंड नोज प्लायर जो होती है किस तरह से होती है, तो जैसा कि चित्र में देख के आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और इसी प्लायर के द्वारा हम तार का हुक और लूप बनाते हैं, ठीक है। तो 5वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, पिंसर का क्या उपयोग है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि पिंसर का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन 6ठा का किसके साथ जा रहा है, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ लोग यहाँ पर गलत ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है 6ठा का उसी के साथ चला जाएगा। पिंसर का जो हम उपयोग करते हैं लकड़ी से पिन तथा कील को निकालने के लिए उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 6ठा का सी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो इमेज होता है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख करके समझ लीजिए अच्छी तरीका से। ये जो है पिंसर का फिगर दिया हुआ है जिसका हम उपयोग लकड़ी में से पिन तथा कील को निकालने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस फिगर को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 6ठा का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ हम लोग चूज किए। जो लोग सी ऑप्शन किए हैं उनका सभी लोग का राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो आइए सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, ठीक है। इसका तो नाम हालांकि नहीं दिया है, लेकिन यह किस सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है ये आपसे पूछा गया है। इसके नाम के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन यह सड़क सुरक्षा चिन्ह है किसके अंतर्गत आता है, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। 7वां का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन यहां पर आने लगा है कुछ लोगों का। तो 7वां का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। यह जो सड़क सुरक्षा चिन्ह है वो मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है। इससे संबंधित हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, आप इसे देख करके समझ जाइएगा। ये तीन जो साइन है मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आते हैं। पहला है स्टॉप, दूसरा जो है फिगर ओ गिव वे यानी कि रास्ता दे, और तीसरा जो है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। तो ये तीन आपका महत्वपूर्ण इस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमेज हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये तीनों जो चिन्ह हैं वो सड़क सुरक्षा चिन्ह से ही रिलेटेड हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा इसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 7वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का पश्च भाग का रंग क्या होता है, यानी कि जो वार्निंग सिंबल होती है, वार्निंग साइन होती है, उसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। चार ऑप्शन में से किसका
साथ जा रहा है ऑप्शन राइट ऑप्शन, आप जरूर कमेंट करके बताइए। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, नीला श्वेत पीला हरा, यानी कि ब्लू व्हाइट येलो ग्रीन। राइट ऑप्शन कमेंट कीजिए आठवां का। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पर कुछ लोग राइट ऑप्शन कर पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो वार्निंग सिंबल होती है वो त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। और त्रिभुजाकार होने के साथ साथ इसका जो रंग होता है काले रंग का बॉर्डर होता है, और आकृति जो होती है इसमें पीले पृष्ठभूमि में होती है, यानी कि जो बैकग्राउंड कलर इसका होता है वो येलो कलर की पृष्ठभूमि पर होती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है क्या होता है, सावधान खतरा यानी कि संकट भय का, इस तरह से जब बारे में बताना होता है तो इस प्रकार के सिंबल का साइन का उपयोग करते हैं। इससे संबंधित हम आपको स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण इमेज दिखा रहे हैं, आप इस इमेज को देख करके अच्छी तरीका से समझ जाइएगा। और जो लोग आठवां का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए हैं उनका सभी लोग का राइट ऑप्शन है, बाकी लोग गलत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सोच समझ करके कॉमेंट कीजिए, ठीक है। तो आठवां का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो विद्युत के द्वारा और विद्युत उपकरण में जो आग लगती है वहाँ पर जो हम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि नवा का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। हालांकि इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, आगे हूँ उसके प्रकार। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, सारी डाउट वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा सुरक्षा चिन्ह एवं उसके प्रकार से भी रिलेटेड एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप ये दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो नवा का राइट ऑप्शन जो है किसके साथ जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए के साथ हो जाएगा, हेलोन टाइप का अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर नवा का हम ए के साथ चूज किए। आप सभी लोग बहुत अच्छे राइट ऑप्शन कर पा रहे हैं, और इसके संबंधित हम एक चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आगे हूँ उसके प्रकार, यानी कि किस प्रकार का जब आग लगता है तो वहाँ पर हम किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं उससे संबंधित है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स वगैरह में भी इसे शामिल कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमेशा यहाँ पर एक दो क्वेश्चन किसी भी तरह के आप एग्जाम दीजिएगा तो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम एक आपको इमेज स्क्रीन पर और दिखा रहे हैं, और यह जो इमेज है हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का है, तो अच्छा से देख लीजिएगा। हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र जो होता है इस टाइप से होता है और बेहद महत्वपूर्ण है। नावा का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज किए। तो कोई डाउट नहीं, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छी तरीका से समझ पा रहे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा सारी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि पीपीई का कौन सा सुरक्षा उपकरण जो धुआं से सुरक्षा के लिए उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो पीपीई का पूरा नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, और यहाँ पर धुआं से बचने के लिए हम कौन सा पीपीई का उपयोग करेंगे। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, दसवां का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताइए दसवां का राइट ऑप्शन क्या होगा। हमें जब धुआं से बचना होगा तो किस प्रकार के हम सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का राइट ऑप्शन आने लगा है, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है दसवां का डी के साथ चला जाएगा, नोज मास्क का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर दसवां का जो है डी के साथ चला जाएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इससे संबंधित हम आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बताए गए हैं सुरक्षा उपकरण पीपीई के बारे में कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। तो दसवां का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। तो सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। तो जो लोग
राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए हैं, उनका सभी लोग का सही आंसर है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सभी लोग का राइट ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि BIS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, यानी कि BIS का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इनके चार ऑप्शन को देखते हैं और यहाँ पर कमेंट कीजिए चार ऑप्शन में से किसका साथ इसका राइट ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। तो 11 का राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सभी लोग राइट ऑप्शन कर पाएंगे, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर कुछ लोगों का राइट ऑप्शन आ रहा है जो BIS का पूर्ण रूप होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर बी को चूज करेंगे और जो लोग बी को चूज किए हैं उन लोग सभी का राइट ऑप्शन है। बात हुई है BIS की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। BIS जो होती है भारतीय राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली एक संस्था होती है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य मंत्रालय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका जो नाम था वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था, यानी कि ISI था, ठीक है, जिसको हम भारतीय मानक संस्थान के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसका नाम का रूपांतरण करके BIS कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर इसका बी के साथ हम लोग चूज किए, इसमें आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग यहाँ पर राइट ऑप्शन कर पाएंगे। भारी भार को उठाने और ले जाने के लिए जिस विधि का हम उपयोग करते हैं उस विधि का राइट ऑप्शन जो है 12 का बी के साथ चला जाएगा, क्रेन और सीलिंग का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर 12 का बी के साथ हम चूज किए और जो लोग बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं उनका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो सभी लोग अच्छी तरीका से कमेंट करें, राइट ऑप्शन को देख लें, पढ़ लें सभी ऑप्शन को, तभी कमेंट करें, ठीक है। तो 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ हम लोग चूज किए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होती है, ठीक है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आग बुझाने में जो स्टार्विंग होती है वो क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो 13 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है आप लोग बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर 13 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, जो स्टार्विंग का मतलब होता है आग से ईंधन तत्व को अलग करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी के साथ हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हम जो लिए हैं 20 हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है 14 में, PPE का क्या नाम है। आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रहा होगा और इसका नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चार ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं, थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन को जूम करके दिखाते हैं। तो इस सुरक्षा कवच का क्या नाम है आप लोग बताइएगा। तो 14 का राइट ऑप्शन कीजिए किसके साथ जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ हम चूज करेंगे। इस PPE सुरक्षा का जो नाम है हैंड स्क्रीन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ हम चूज करेंगे। और हैंड स्क्रीन का हम उपयोग वेल्डिंग तथा ग्राइंडिंग करते समय चेहरे को सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 15 में पूछा गया है आपसे, किस प्रकार का कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग पीड़ित के लिए करते हैं जिसका जो है छाती और पेट में चोट हो। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 15, इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहां पर 15 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं लास्ट में इसका ऑप्शन बताऊंगा कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। तो यहाँ पर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यानी कि राइट ऑप्शन जो है
डी का हम चूज करेंगे। ठीक है, सैफर विधि का तब हम प्रयोग करते हैं जब पीड़ित का पीठ पर छाला पड़ा हो। ठीक है, वहाँ पर सैफर विधि का प्रयोग करेंगे। और सिल्वेस्टर विधि का तब प्रयोग करेंगे जब पीड़ित का जो है वो पेट में छाला पड़ा हो, तब वहाँ पर हम सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे। तो 15 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकती है। तो आपके लिए यहाँ पर तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन नीचे में है, तीनों ऑप्शन को आप अच्छी तरीका से पढ़ लीजिए। और एक ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, आप देख लीजिए और इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 16 का राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है आप चूज करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है 16 का वो बी के साथ हम लोग चूज करेंगे, बायोलॉजिकल हजार्ड। ठीक है, तो 16 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जो लोग बी ऑप्शन को चूज किए हैं उनका सभी लोग का राइट ऑप्शन है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा गया 17 में कि इस जो औजार का क्या उपयोग है। तो अभी हम इस औजार का ऊपर में आपको फिगर दिखाए थे और इसका जो नाम है पिंसर। ठीक है, इस औजार का अब यहाँ पर उपयोग आपसे पूछा गया है, इस औजार का हम पिंसर के नाम से जानते हैं और इस औजार का क्या उपयोग है आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, चार ऑप्शन को देख करके आप चूज कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 17 का वो सभी लोग का यहाँ पर राइट ऑप्शन आ रहा है, लकड़ी से कील को निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर 17 का सी के साथ चूज करेंगे, बेहद आसान बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जैसा कि देख पा रहे हैं आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा और इस साइन का क्या नाम है आपसे पूछा गया है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन हैं ए और डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि वार्निंग सिंबल जो होती है त्रिभुजाकार होती है और इन्फॉर्मेशन साइन जो होती है वो वर्गाकार या आयताकार होती है। तो ये दो नहीं होगा, आपको बी और सी में चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा, मैंडेटरी साइन जो होता है आवश्यक चिन्ह, जिसको हम आदेशात्मक चिन्ह के भी नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और इस चिन्ह के द्वारा बताया जाता है कि कार्यशाला में स्वयं के प्रति आग्रह किया जाता है कि आप इस कार्य को जरूर करें, जैसे कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं, आंख की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने, हाथ की उंगली की सुरक्षा के लिए दस्ताना पहने। तो इस तरह से ये चिन्ह इसके अंतर्गत आते हैं और इससे संबंधित हम आपको इमेज दिखा रहे हैं, आप देख करके अच्छी तरीका से इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हम लोग बी के साथ चूज किए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे हैं, यदि ऐसा तो ज़रूर एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ पा रहे हैं या नहीं। और अब ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन दो बचे हैं, 19 और 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति है उसका रक्त का बहाव बहुत तेज गति से होता है तो उसका प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर हम पहले क्या करेंगे। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए 19 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप लोग जरूर चूज करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 19 का जो राइट ऑप्शन है वो कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया लाजवाब, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, जहां चोट लगता है वो चोट लगे हुए भाग पर हमको दबाव डालने चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है 19 का डी के साथ हम लोग चूज किए। तो बेहद आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19,
और आइए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और इस लाइव सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और ये आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या नाम है आपसे पूछा गया है। और ये आप लोग कई बार देखे होंगे चिन्ह को। तो यहाँ पर देखिए, तीन ऑप्शन दिया हुआ है, विद्यालय संरक्षित, असंरक्षित और पैदल क्रॉसिंग। तो 20वां का राइट ऑप्शन सभी लोग कमेंट कीजिए किसके साथ जा रहा है। तो ये आज का टोटल क्वेश्चन 20 थे, और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर भी दे देते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको सारे पीडीएफ वहीं पर अवेलेबल कराई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग का राइट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, पैदल क्रॉसिंग, राइट ऑप्शन डी के साथ। बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो ये आज का लाइव सेशन था, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन थे। आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोग भी जुड़ते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार सभी लोग जुड़िए, और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद।